तो नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास कार्यक्रम चुनावी सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 2023 के महामुकाबले के लिए क्या कुछ कह रहा है मध्य प्रदेश का मतदाता और भाग्य विधाता, हम समझेंगे चुनावी सफर में। और आज हम अपना चुनावी सफर सहकर कर रहे हैं पश्चिम से लेकर बरगी विधानसभा क्षेत्र में, जानने के लिए कि क्या कुछ कह रही है बरगी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता, क्योंकि पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश है। वर्तमान में कांग्रेस के यहाँ पर विधायक जो है संजय यादव है, हम समझेंगे लोगों से और ये जानेंगे कि क्या है बरगी का इस बार मत। तो चलिए शुरू कर रहे हैं अपना सफर और लोगों से बातचीत करेंगे कि बरगी विधानसभा। सबसे पहले हम ऊपर आ जाते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे कि इस बार बरगी में क्या बदलाव होने जा रहा है या फिर हाँ भैया, कहाँ की टिकट काट रहे हो? बेलखेड़ा। बेलखेड़ा, तो बरगी तो अप डाउन डेली कर रहे होगे आप? नहीं नहीं, मैं मेरा यहीं तक का सफर रहता है। माहौल क्या है सर बरगी का, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, 50-50 है। 50? मैच फंसेगा क्या? फंसेगा। तो मैच जो है वो फंसेगा कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इसलिए इसी बस में आए हैं। मैडम कहाँ जा रही हैं? मैं शेखपुरा। क्या करती हैं? आई एम नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर, तो आप इलाज करती हैं? अच्छा, मुझे ये समझना था कि बरगी की तासीर क्या है, अभी क्या कह रही है वो? आई डोंट नो अबाउट बरगी, क्योंकि मैं वहाँ बिलोंग नहीं करती हूँ। अच्छा, चुनाव का कुछ समझ में आ रहा है माहौल कैसा? प्रचार वगैरह है वहाँ पे, देखा हुआ है काफी प्रचार हो रहा है। हो रहा है, कौन है आगे कुछ समझ, माहौल किस तरह समझ में आता नहीं, अब ये जीतेगा? अब मुझे तो पता नहीं है क्योंकि अभी मैं घर पे थी, अभी मैं घर से जा रही हूँ वहाँ पे। अच्छा, घर से जा रही हूँ। कुछ चर्चा है बीजेपी कांग्रेस? नो, कोई चर्चा? आई डोंट नो अबाउट। नहीं, तो मैडम को नहीं पता है कि चर्चा क्या है, कोई बात नहीं। कहाँ दीदी? सैपुरा। सैपुरा, बरगी विधानसभा है? हाँ। क्या है माहौल? अच्छा है, जिसका है? अच्छा है। तो आइए भैया, आइए, माहौल अच्छा है। अच्छा, कौन जीत रहा है इस बार? अब जिसके भगवान जिताएगा वही जीतेगा। नहीं, भगवान तो चुनाव में जनता होती है। हाँ, अब जिसकी भगवान किस्मत में होगा वही जीतेगा, इससे आगे कुछ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, क्यों? क्या बोले भैया, कुछ बोलने नहीं, कुछ समझ में आ रहा बीजेपी है या कांग्रेस? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, अपन उतने पढ़े लिखे नहीं है, काय के लिए झूठ बोलते? क्यों मां? हाँ भैया, हम भी दवाएं कर रहे हैं काय के। हाँ, और क्या समझ में आ रहा, किसका है? अब हम का कह रहे हैं भैया, बताओ। समझ में आ रहा होगा ना, विधायक जी आ रहे हैं या भाजपा आ रही है? हाँ ने, अब हम और तो बेल खड़ा में रहे थे, विधायक जी हमारे तो सवाई करवा रहे हैं। विधायक जी अपने जहाँ जो कोई अपने के हम भैया बताओ और क्या। सरकार की योजना मिल रही क्या आपको वहाँ पे? हमको? हाँ। नहीं, हमको नहीं मिल रहे, बिल्कुल नहीं मिल रहे, न मकानों की भी नहीं मिल रही, बिल्कुल 1 रुपया कब भी नहीं मिली हमें, न हमारे पति भी ना, हमारा लड़का है। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है 600 रुपया। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलती है जी। मैडम कहाँ जा रहे हैं? शेखपुरा। शेखपुरा, बरगी विधानसभा में आते हैं? अभी आचार संहिता लगे और हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप किसी और से पूछ लीजिए, मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं है यहाँ पे, है ना? माहौल तो समझ में आ रहा होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती भैया। मैडम भी सरकारी? हाँ, तीनों हम सरकारी। सरकारी एम्प्लॉय है, तो सरकारी एम्प्लॉय कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ भैया, कहाँ जा रहे? भैया हम जा रहे हैं सैपुरा। हाँ। और चुनाव का माहौल है। हाँ। इस समय भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जीतेगी? जीतेगी, पक्का जीतेगी। भारत करे, लाख करे, लोगों बदल रहे हो क्या? नहीं, बदल नहीं रहे, जनता की डिमांड है, लोगों की मांग है। अच्छा। कि मोदी जी को लाना है, शिवराज सिंह को लाना है और देश का विकास कराना है। तो यहाँ कौन है बरगी में? बरगी में ठाकुर नीरज सिंह जी जीत रहे हैं 100%। जी हाँ, काम आम हुए थे क्या? उनके माता भी 10 साल विधायक थी। उनकी माता जी जब तक रही अच्छे काम हुए। हाँ। और अभी क्षेत्र में भी काम चल रहे हैं और लोग खुश हैं भारतीय जनता पार्टी से। लोगों की एक ही मांग है कि मामा जी को लाना है और शिवराज सिंह की सरकार बनाना है। ऐसा? जी। तो ये कह रहे हैं कि मामा की मांग है। और दीदी
कहाँ जा रही हैं? हम भी इन लोगों के साथ। अच्छा, आप भी? आप तो नहीं होंगे? नहीं, मैं सहजपुर जा रहा हूँ। क्या है माहौल? सही है अभी तो। हाँ? ठीक। किसका? भाजपा। क्यों, ऐसा क्यों? अब भाई काम भी अच्छा कर रहे हो। कौन? भाजपा वाले। अच्छा कर रहे हैं। जैसे? जैसे अपने मुख्यमंत्री जी को ही देख ले, और अच्छा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी, कौन है प्रत्याशी भाजपा के आपके यहाँ? हमारे यहाँ अंचल सोनकर जी, नहीं वो सॉरी राकेश सिंह। ठीक है दीदी, नमस्कार। कहाँ जा रही हैं दीदी? सैपरा जा रही हूँ। तो काम के लिए आया था, तो मैडम बोल दिया भाई तो दो दिन बचे। हाँ, बोर्ड के। क्या है माहौल? हमारा बहुत अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ बनेस सक्सेना जबलपुर कमाने हैं। इधर कहाँ जा रही? वो मामा के घर जा रहे हैं। मामा के यहाँ का माहौल कौन से वाले? शिवराज मामा, ये वाले मामा? ये वाले मामा। अच्छा, मामा का माहौल दिख रहा है? मुझे बोलता है नहीं, जो मामा का। हाँ, दिख रहा है। इस बार क्या लगता है, लाडली बहना काम करेगी योजना? हाँ करेगी। अच्छा, कैसा मिला इस बार का? हाँ मिल गया, 1250। कब आया था? 7 तारीख को। 7 तारीख? हाँ। दिवाली तो जबरदस्त हो गई। हाँ। ये तो बात दिवाली की हुई, तो क्या इसका फायदा दिखता बरगी में मिलेगा बीजेपी को? जी, अब बोल रहे हैं वोट के बाद देखो अब सरकार बदलेगी। ये है माहौल। दीदी कहाँ जा रहे हैं? सहजपुर। क्या है माहौल चुनाव का? हमारे यहाँ तो मैं बरगी से हूँ। हाँ। संजय यादव। ऐसा? जी। क्यों? हमारे यहाँ काफी उन्हें करवाया है, कॉलेज बनवाए हैं, और अभी मेट्रो भी बंद हो गई थी तो मेट्रो भी चालू करवाई उन्होंने। हाँ, और ये तो स्कूलों में भी जाके उन्हें बैग बांटे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, मतलब हर ही चीज़ में ध्यान देते हैं वो। जी, है ना? ये सरकार की योजनाओं का कोई क्रेज दिख रहा है क्या बरगी में? लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी। हाँ, लाडली बहना का भी दिख रहा है, और मतलब सभी को पैसे आ रहेंगे, और है तो जो लाडली लक्ष्मी योजना का भी है वो, उसमें भी बाकायदा किस्त पूरी पूरी आ रही होंगी। उसका फायदा बीजेपी को होगा? हाँ, उसका होना चाहिए जी। आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ? यहाँ पे तो वहाँ पे, यहाँ पे हमारे यहाँ तो कहने चाहिए कांग्रेस के से संजय यादव ने भी किया है और उनने भी किया है ये। जी बताइए भैया। वो मेरी बीवी थोड़ा बताने वाली, वो हम उनसे भी पूछेंगे, लेकिन पहले आप समझेंगे कि वो मेरे बीवी का क्या हुआ है। अभी जो पैसा मिल रहे थे 1000 रुपये लेडर्सों को, उसको 2-3 बार फॉर्म भरा है, लेकिन उसको पैसा नहीं आया है लेडीज को। वो बोले करता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं किया वो कुछ। अच्छा, माहौल क्या समझ में आ रहा है? माहौल अभी क्या है, ठंडा हो गया माहौल अभी। अभी चुनाव ना हो जाएंगे तो सब बंद हो जाएगा, पैसा नहीं बंद नहीं होगा, तो योजना चलेगी तो बंद कैसा हो? अभी ऐसा लग रहा है मुझे, लग रहा है। अच्छा, माहौल किसका समझ में आ रहा है? अभी माहौल तो यार बाबा अभी क्या बताऊं। फिर भी अभी मैं भी इधर ज़्यादा रहता हूँ, पुणे में रहता हूँ। प्रचार तो चल रहा होगा ना भाजपा कांग्रेस समझ में कुछ? अभी तो मैं आज ही अभी आया हूँ। अच्छा, समझ नहीं आ रहा अभी? नहीं यार। ठीक है जी। दीदी बताइए कहाँ जा रही हैं? बेलखेड़ा जा रही हूँ, नहीं साथ में आई हूँ। अच्छा, हाँ भैया ने बोला आपसे बात करने के लिए। हमें ये समझाइए, बेलखेड़ा बरगी विधानसभा में आता है, कुछ समझ में आ रहा है माहौल किसका है? ठंडी का है। ठंडी का? किसका? सर्दी का, ठंडी बरगी, बरगी का। हाँ, नीरज सिंह खड़े हैं वहाँ से बीजेपी से, और संजय यादव है। कुछ नहीं। अच्छा, भाजपा कांग्रेस कौन आगे प्रचार में, कुछ इस बात का लग रहा है क्या? नहीं मालूम मेरे को। कुछ नहीं, चर्चा क्या चल रही है चाहिए बताइए। मैं आज ही आ रही हूँ पूना से। हा? पूना से आ रही हूँ। अच्छा, नहीं तो यहाँ रहती तो यहाँ कुछ चर्चा है, बातचीत हुई?
यहाँ से मैं अभी एक साल से आ रही। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बात है। दीदी नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते, घर में रहते हैं। अच्छा तो कोई काम वाम या घर ही में रहते हैं? घर ही में रहते हैं, नहीं कुछ काम नहीं, बच्चों को देखते रहते हैं। अच्छा दीदी ये बताओ कि लाडली बहना का फायदा मिला है नहीं मिला? मिला है। मिला है जी हाँ। कितने पैसे मिले? अभी तो 6 किस्त हो गई है। 12.5 हाँ। तो माहौल किसका है? हमारे यहाँ कमल का है, अशोक भैया है यहाँ पे। कमल? कमल से कौन खड़े? अशोक भैया। यहाँ बरगी में तो नीरज सिंह है ना? हम बरगी में नहीं रहते ना, हम कैंट से है भैया। अच्छा मतलब ये लग रहा है योजनाओं का फायदा मिलेगा? जी हाँ अभी तो मिला है, बाद में भी मिलेगा। नहीं इस योजना का फायदा पार्टी को मिलेगा क्या? अब लग तो रहा है मिलेगा। मिलेगा क्यों भैया, क्या माहौल है? सही है भैया। क्या है? एक में भाजपा आएगी भैया। कौन आएगी? भाजपा आएगी। पक्का? क्यों? लग रहा है ना हमको तो कुछ वजह होगी लगने की। हमारे तो भैया भाजपा आती है। भाजपा? तो क्या पार्टी अच्छी लगती है या काम वाम हुए? अच्छी लगती है, काम वाम होता है ना भैया हमारे गांव में। और वर्तमान विधायक जी की स्थिति क्या है? अच्छी है भैया। समझने निकले हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या माहौल है बरगी में, क्या बदलाव है। दीदी नमस्कार। कहाँ? लड़की के यहाँ जा रहे हैं। बरगी जा रहे हैं? नहीं बंधा। बाजार? बंधा 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 जा रहे हैं। बरगी विधानसभा में है ना वो? नहीं हाँ। अरे ये सहजपुर की इसी तरफ है। बरगी में ही? तो हम लड़की के यहाँ जा रहे हैं ना। क्या करती है लड़की वहाँ? अभी शादी कर रहे हैं लड़की की। हाँ। तो चुनाव का माहौल समझ में आ रहा है क्या भैया? हम क्या बता सकते हैं, अब हम तो पराए के गांव जा रहे हैं ना। हाँ। अब हम क्या बताएंगे, हम तो लड़की के यहाँ जा रहे हैं, लड़की को देखने जा रहे हैं अपनी। लड़की से पूछोगी माहौल क्या है? अब हम जा रहे तो पता चलेगा, अभी 4-6 महीने तो हुए शादी करे। अब देखने जा रहे हैं वहाँ। पूछी नहीं हूँ लड़की से कौन जीत रहा है। अब हमको क्या मालूम भैया उनके यहाँ कौन खड़ा है कौन नहीं, कौन बताएगा? अब हमारे यहाँ का हम क्या बताएंगे? हमारे अपने आपके यहाँ क्या माहौल है यही बता दो। हमारे यहाँ का माहौल तो अच्छा है। किसका है? रंजीत ठाकुर का। पार्टी कौन सी? कमल का। कमल का माहौल? हाँ हाँ। तो दीदी ने कमल का माहौल बता दी है। हाँ दीदी कह रही है कि हमारे यहाँ तो कमल का माहौल है। बिल्कुल। क्या क्या है? हमारे यहाँ भी कमल का ही है। बस रोड से गुजर रहे हैं और ये बरगी विधानसभा है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से इस सफर में कि आखिर 5 साल का जो सफर रहा वो तय रहेगा या आगे सफर जो है बदलने वाला है। दीदी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से है? हम शहपुरा बिटौनी से। अच्छा शहपुरा बिटौनी तो बरगी विधानसभा का है। क्या समझ में आ रहा है माहौल? दोनों पार्टी का अच्छा माहौल है। अच्छा है लेकिन वोट तो एक को ही पड़ेंगे और जीतेगा भी एक। हाँ कौन है अभी ये नहीं कह सकते, वो तो नतीजा आने के बाद बताएंगे ना। एक होता है ना पहले से प्रेडिक्शन हो जाता है, माहौल समझ में आता है कि ये आगे चल रहा है ये पीछे चल रहा है, ऐसी कोई चर्चा? इस बार कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। हाँ? कांग्रेस की सरकार आना चाहिए इस बार। हाँ ऐसा क्यों चर्चा? क्योंकि भाजपा लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है कुछ। ये अभी एक दीदी से चर्चा हो रही थी कि महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं दे दी हैं। वो सब कमलनाथ ने बोली थी, वो उसी का वो कर रहे हैं शिवराज जी। पहले वो कमलनाथ ने घोषणा की थी ना लाडली बहना, वो तो शिवराज जी ने लागू कर दी, वो तो मिल रही है 4 महीने से। वो तो मिल रही, हमको भी मिल रही है। आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है। तो अभी तो कमलनाथ ने ऐलान किया है ना, तो उसके पहले तो उन्हीं ने किया था ना ऐलान। नहीं नहीं वो बाद में आया, 1500 रुपए का उनने किया था, वो तो शिवराज ने अभी शुरू कर दिया है 4 महीने से। हाँ। पहले उन्हीं का था, उनका सुन के ही तो उनने किया ना प्रचार। ऐसा? हाँ उनका सुन के ही किया। हाँ ये बात चलो ठीक है, मुझे जहाँ तक जानकारी कि पहले शिवराज जी ने की है उसके बाद इन्होंने। क्यों भैया कुछ
क्या करते क्या है? काम करते टाइल्स से। क्या करते? टाइल्स का काम। टाइल्स का काम। तो कहाँ रहते, कहाँ हैं? धर्मवंती नगर। समझ में आ रहा माहौल क्या है? भाजपा पार्टी। भाजपा। आपकी बगल में दीदी जी का इंटरव्यू सुने थे आप? सही बोल रहे, सही बोल रही है। माहौल भाजपा। कोई खास वजह? कुछ नहीं, हाँ ना, खास बात बताइए दीदी। अरे बताइए, कहाँ जा, कहाँ रही इच्छा, यही बता दी। सैपुरा। सैपुरा जा रही। तो 17 तारीख को वोट पड़ने हैं, पता है ना? हाँ। है ना, कल जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और हम लोग भी नजर नहीं आएंगे आपको इस तरह बस में। हाँ ना। है ना, तो हम आज आखिरी बार दौरा करने आए हैं यहाँ पर बरगी में, ये समझने के लिए कि माहौल किसका है। ये हम सब कुछ नहीं जानते ना, और इस चीज़ हम कभी पढ़े ही नहीं ना, हम जो सब एक चर्चा तो सब जगह होती है, चाहे घर में हो या आंगन में हो, बाजार में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, एक चर्चा चलती है कि यार इसका माहौल है, इसका नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ तो दोनों आ रहे भी। नहीं, दोनों नहीं दीदी, एक ही जीतेगा, कोई एक तो जीतेगा, वो तो मालूम है। जितनी मालूम उसके बाद ही पता चलेगा ना, जीतने के बाद ही कौन जीत रहा कौन। टक्कर है? टक्कर तो चल ही रही है। तो ऐसा कुछ अंदाजा है क्या कि टक्कर में कौन आगे? नहीं नहीं है अंदाजा, कोई बात नहीं दीदी। अब आपसे चर्चा कर ही ले, अब आपको काहे छोड़े। बोली हम सैपुरा बिटोनी। क्या है अपन को तो माहौल दोनों तरफी से अच्छा लग रहा है, दोनों पार्टी की जोर लगी है, अब भगवान के मालिक है कौन भी आ जाए। मालिक तो जनता है इस बार चुनाव में इसमें, ये तो आपकी बात सही बात है, तो मालिक जनता है। अगर भगवान चाहे, अगर जनता एक को सपोर्ट करेगी तो एक ही आएगा, अगर मगर माहौल तो हमको अच्छा लग रहा है देखने में। माहौल अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है माहौल में, हम लोग घूम ही रहे चुनाव में, घूम रहे। और कहा कौन आगे है? अभी तो हम लोग कांग्रेस तरफी से चल रहे हैं, संजय साहू बाट, हम कांच घर में रहते हैं। अच्छा, आप उधर से? इधर बरगी में किसका माहौल? इसका तो अभी हम आज पहली बार आए इस तरफी, हम मेहमान हैं। अच्छा, मेहमान। हाँ, इसका यहाँ का माहौल हम आपको नहीं बता सकते, हम लोग के तरफी तो अभी कांग्रेस ही तरफी चल रही है। अच्छा, हमारे तो इस तरफ का माहौल दीदी को नहीं पता है, तो हम उस तरफ का माहौल समझ ले। और ठीक है, ठीक है। हाँ, हम दूसरे लोगों से भी इधर से उतरते हैं और दूसरी जगह चल के समझते हैं कि माहौल क्या है। आइए और समझे, बस बदलेंगे यहाँ से हम बात। दीदी, राम राम। कहाँ जा रहे हैं? मेरे गांव बरगी। बरगी विधानसभा ना? कुछ समझ में आ रहा है क्या है इस बार चुनाव का माहौल? हम नहीं जाने भाई। क्यों है? क्यों कछु नहीं? कौन जीत रहा बताइए, बताइए अच्छा, जो अच्छा लगे आपको वो बताइए। कौन जीत रहा है ना, जो अच्छा समझ कमल की पंजा का पता भैया, हम नहीं जाने को जीत है को हार है। राम राम माँ, बता दीजिए जो अच्छा लगे आपको। वोट डारे जात होगा का? जात हो? हाँ, जाते हैं ना वोट डारे, जात हो? जाते हैं। हाँ, को है एक बार को है जीते इस बार बरगी में? जिसके भाग हो सो जीते, जिसका भाग्य है, जिसका भाग्य है वो जीतेगा। भाग्य जीत रहा है या जनता जिता रही है? एक तो जनता तो खैर अपना अपना मत देती है ही है, लेकिन है वाकई में जो माता जी ने बोला ना, भाग्य का काम ही है, नहीं तो लोग तो अपने अपने हिसाब से। किसका प्रबल है? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते भाई साहब, है ना। माहौल समझ में आ रहा है? नहीं, माहौल तो अब ये इसको तो मीडिया वाले भी बता रहे हैं, आंकड़े और सब बता रहे हैं, मगर हर कोई ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, आपको क्या समझ में आ रहा है? मीडिया की छोड़ दो, हम तो ग्राउंड जीरो पे आए हैं। जी जी, नहीं है बरगी की जनता समझ में आए? नहीं, बरगी अब ये हम नहीं कह सकते भाई साहब कुछ भी, कुछ भी है ना। ये तो भाग्य की बात जो बताई ना माता जी ने, इतनी उम्र में हमारे कब नहीं। माहौल तो आजकल वैसे ही बहना रहना और झंडा और सब प्रचार वगैरह ज्यादातर नहीं हो रहा है ज्यादा। नहीं, ये तो जन नहीं बीजेपी के, बीजेपी के बंदे बोल रहे हैं ना जी। और ठीक है, नहीं हम इधर ही चुनावी सफर में बात कर रहे हैं। दीदी कहाँ जा रहे हो? सहजपुर। सहजपुर जा रही,
अच्छा दीदी एक बात बताओ, कुछ समझ में आ रहा है माहौल चुनाव का? नहीं अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाडली बहन का पैसा मिल रहा है? नहीं, उसमें हमारा कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है, जोड़ा ही नहीं है ना। कौन अच्छा लग रहा है? मामा अच्छे लग रहे हैं, मोदी अच्छे लगते हैं या कमलनाथ? मामा ही अच्छे लग रहा है, लेकिन लाभ भी तो होना चाहिए। मामा अच्छे लग रहे, तो मामा के नाम पे वोट पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा वो तो है, देना ही देगा। अब सबके लिए तो इतना बहुत कुछ कर रहे हैं ना, अब एक दो रह गए हैं उनको लाभ नहीं हो रहा है तो क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ किया है उन्होंने। किया है। ये देखिए ये दीदी मिली है, क्या नाम है दीदी? सुषमा बर्मन। सुषमा भाई दीदी का नाम? सुषमा बर्मन। सुषमा बर्मन है। ये दीदी कह रही है कि हमें लाभ भले ही ना मिला हो लेकिन बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है और वो मामा के फेवर में है। ये मतलब नाराजगी नहीं है, इसलिए हम ये बता रहे थे कि कई लोग होता है कि योजना का लाभ नहीं मिलता है तो नाराज होते हैं, लेकिन ये नाराज नहीं है, कह रहे हैं कि मामा के नाम पर वोट पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो तो हम कुछ और लोगों से समझते हैं। राम राम अम्मा। राम राम। और बताओ कहाँ, दिवाली कैसी रही? बहुत अच्छी। बढ़िया बढ़िया है। तो कहाँ जा रही हो अभी? सैदपुर। सैदपुर बैठी है? नहीं बहन का। बहन तो भाई दूज हो गया? भाई भाई कहाँ नहीं गए थे, थोड़ी दुख दुख बोले कि तुम दुखवारी है अभी खत्म भाई हमारे मिस्टर। हाँ, तो अच्छा, तो वे लेने आए थे, मेरी बहन लेने आई थी, तो हम कहते चलो हम आ रहे हैं। यही तो रंग है जो हमारे अच्छी चीज है समाज की। भैया लेने आए थे भैया का नहीं, चुनाव का कुछ समझ में आ रहा है? हम सूखा गाँव के है, हम तो सूखा गाँव में तो पूरा सूखा पलटा है। सूखा गाँव में किसका सूखा है इस बार? मोदी का। मोदी का? मोदी बिल्कुल पूरी तरह, पूरी तरह। क्या बात कर, क्या बात कर रहे हैं? हजार आदमी घूम जाए लेकिन जहाँ तो मोदी ने कहे, हम चोली वाली बात, हम जहर वाली बात कर रहे हैं। जमाना कहूँ चलो जाए, सूखा पूरे मोदी में जाए, 600 घर के चम रहे हैं, पूरे पलटे हैं। तो नेता ऐसा थे क्या आप? हम नेता नहीं हते, हम चार में बैठते हैं भैया, भले नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा, हम चार में घूमते हैं। तो मोदी तो सूखा में कांग्रेस का सूखा है मतलब इस बार। दद्दा और हमारी जवान पर। अच्छा भैया दीदी अम्मा तो बहुत नाराज़ नजर आ रही, पंजा से दोबारा लेने देखने नहीं आती भैया, क्या रहा है वो नजर आ रही तो क्या हुआ, परेशानी से सब अच्छा होना चाहिए सबके लिए, अपन कुछ नहीं बोल सकते क्यों, पंजा भी आगे आए तो अच्छी बात है और कमल भी आए तो अच्छी बात है। माहौल कुछ समझ में आ रहा है? ज्यादा तो हम कुछ नहीं जानते लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जी, पंजा ही सामने आ रहा है आजकल जी हमारे इधर तो जी, जी हमको नहीं मालूम अम्मा, हम तो अभी अभी आए हैं, देख लीजिए ये बोली। देखो हमारे इधर तो वही चल रहा है ना अभी, मोदी तो बोल रहे ना करते, मोदी तो ना बोलते, नहीं जो उनके मन में